नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, तो हम वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में बात वगैरह कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे, जो कल मैच होना है दोस्तों वर्ल्ड कप में, नीदरलैंड्स वर्सेस न्यूजीलैंड, उसी मैच के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीदरलैंड्स ने टॉस जीता दोस्तों, उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, बट उनके बॉलरों ने निराश किया दोस्तों। उनके बॉलर इतने मतलब मैच्योर नहीं है, तो हो सकता है तो उसी की वजह से हो। तो न्यूजीलैंड ने दोस्तों पहले विकेट के लिए मतलब 67 रन्स की पार्टनरशिप करी, जिसमें डेविन कोनमे ने 32 रन्स बनाए। उसके बाद जो विल यंग थे उनके, उन्होंने 70 रन्स, नीदरलैंड्स के जितने भी बैट्समैन थे ना दोस्तों, उनका मिला जुला प्रदर्शन रहा। सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। चाहे आप विल यंग की बात करें, उन्होंने 70 रन्स बनाए दोस्तों। उसके बाद आज आपके रचिन रविंद्र ने लास्ट मैच में भी दोस्तों 122 या 123 रन्स बनाए थे, और आज भी उन्होंने 51 रन्स बनाए दोस्तों। उसके बाद डेरिल मिचेल की बात करें, इन्होंने भी एक छोटा सा कैमियो खेला लास्ट में 48 रन्स के बीच की। और फिर टॉम लेथम ने भी 53 रन्स मारे दोस्तों। और उनके बाद जो उनके ऑलराउंडर हैं दोस्तों, मिचेल सेंटन, इन्होंने लास्ट में 36 रन्स की पारी खेली, जो कि सिर्फ 17 बॉलों में। तो उसकी मदद से ना दोस्तों, इन्होंने मतलब जो 323 रन का विशाल स्कोर 322 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर पाए, जो कि 7 विकेट के मतलब लॉस पे बना पाए। और अगर इनके बॉलर्स की बात करें नीदरलैंड्स के, तो नीदरलैंड्स के बॉलर की बात करें, चाहे वैंडर मर्वे हो चाहे आर्यन दत्त, इन्होंने दो दो विकेट लिए। इनके तीन बॉलर थे जिन्होंने दो दो विकेट लिए। तो जो बैट्समैन है तो न्यूजीलैंड के, उन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया था और उन्होंने बेहतरीन मतलब बैटिंग का टारगेट रखा। 322 रन कोई कम नहीं है दोस्तों, और नीदरलैंड जैसी कमज़ोर टीम के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो नीदरलैंड्स टीम जो है वो बैटिंग के लिए उतली, बट उनके जो किसी भी बैट्समैन ने ना दोस्तों मतलब ऐसा दिखा नहीं, प्रोमिसिंग नहीं दिखे कि वो जो टारगेट है उसको चेज कर देंगे। और उसमें सिर्फ एक बैट्समैन को छोड़ दिया जाए तो उनका जो बैट्समैन था ना दोस्तों, उनका नाम था क्या, मैट ऑकमैन नाम के जो बैट्समैन थे ना दोस्तों, उन्होंने 69 रन्स बनाए। उनके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं रहा जो कि मतलब लगा कि मतलब खेलने के लिए आया या टारगेट को चेज करने के लिए आया है। और वहीं न्यूजीलैंड के बॉलरों की बात करें, तो चाहे आप मिचेल सेंटनर की बात करें, मैट हेनरी की बात करें, तो इन दोनों ने दोस्तों, मिचेल सेंटनर ने तो 5 विकेट्स लिए दोस्तों, और उसके साथ उन्होंने 37 रन्स की क्रूशियल इनिंग खेली लास्ट में, जिसकी बदौलत 322 रन बनाए। तो इसी दोनों मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल सेंटनर को मिला दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बोला था, मतलब अंडररेटेड जो प्लेयर्स है उनकी लिस्ट में मैंने मिचेल सेंटनर का नाम रखा था। मिचेल सेंटनर ने कल करके दिखाया, चाहे वो बैटिंग की बात करें चाहे वो बॉलिंग की बात करें। और आपके मैट हेनरी का आपको पता ही है, उनकी जो फास्ट बॉलिंग है उसकी बदौलत उन्होंने भी 3 विकेट्स लिए, और मिला जुला के जो आपके नीदरलैंड्स को उन्होंने मतलब 99 रन से हरा दिया। तो 223 रन बना पाए वो, और 99 रन से कोई मतलब छोटी मोटी जीत नहीं है दोस्तों 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, बहुत बड़ी जीत है। और नीदरलैंड जैसी छोटी टीम है, अभी मैच्योर है, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, तो उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, उनके लिए एक्सपीरियंस गेन करने का मौका होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूजीलैंड बहुत बेहतरीन खेल रही है दोस्तों। पहले मैच में भी उन्होंने मतलब हराया, और दूसरे मैच में भी उन्होंने कल नीदरलैंड्स को हरा दिया। तो इससे पता चलता है जो है मतलब जीतने के लिए आई है वर्ल्ड कप, वो कोई मतलब ऐसे ही नहीं है कि अंडररेटेड टीम जरूर है, बट वो दावेदारी पेश कर रही है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतने आए और हम वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे। तो यही था। और पॉइंट्स टेबल में भी दोस्तों, अभी 2 में से 2 जीत के जो नीदरलैंड मतलब न्यूजीलैंड की टीम है वो पहले नंबर पर है। और आज की बात कर लेते हैं दोस्तों, आज के जो मैच होने वाले हैं, पहला मैच होगा दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश। तो इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश में तो मतलब है ना दोस्तों, तो इसमें आपके इंग्लैंड फेवरेट्स है, क्योंकि आपको पता है उनकी बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, जोस बटलर की कैप्टनसी में वो बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं और आराम से वो जीत जाएंगे उम्मीद है। बट अगर बांग्लादेश कोई उलटफेर वगैरह नहीं कर पाई तो जो इंग्लैंड है वो आराम से मैच जीत जाएगी। और उसके बाद आपका जो दूसरा मैच है ना दोस्तों, वो थोड़ा तगड़ा मैच है आज का। आज का जो दूसरा मैच होगा वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का होगा, जो एशिया कप में भी अभी देखा होगा आप लोगों ने कि पाकिस्तान को श्रीलंका ने हरा दिया। तो पाकिस्तान के दिमाग में तो ये चल ही रहा होगा कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट उम्मीद है मैच दोनों ही ज़बरदस्त होंगे, और जो मतलब जो भी बेस्ट टीम होगी दोस्तों वो जीतेगी। और उम्मीद है कि श्रीलंका आज का मैच जीत जाए और न्यूजीलैंड इधर से जीत जाए, तो पाकिस्तान के लिए जो रास्ते हैं वो कठिन होंगे। और जो उनको नेक्स्ट मैच खेलना है दोस्तों, इसके बाद जो कि अपना मतलब भारत से उनको 14 तारीख को मैच खेलना है इंडिया से,
तो उसके लिए भी उनकी प्रिपरेशन वगैरह होगी। जो श्रीलंकन स्पिनर्स है ना दोस्तों, वो बेहतरीन बॉलर है और उम्मीद है, देखते हैं उनके बॉलर्स वगैरह कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। और बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भी उनकी जानदार है, लास्ट मैच में उन्होंने दिखाया भी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें भी उन्होंने 327-28 रन बना दिए थे, बट कि जो उनके जो ओपनर्स वगैरह वो इतने चले नहीं थे फिर भी। तो उम्मीद है आज का मैच दमदार होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक वगैरह नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहानुभूति, मतलब मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगा। जो भी वीडियो वगैरह मैं बनाऊंगा वो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह में दिख जाएगा। तो यही था दोस्तों आज के मैच वगैरह की बात करनी थी, तो ये आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं रात को जो दोनों मैच होंगे उनके रिजल्ट वगैरह के बारे में, या जो भी प्लेयर्स वगैरह जो भी रन वगैरह बनाएंगे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।